मैंने तो जो कुछ भी किया था वो बाजी के कहने पर किया था। झूठ झूठ बोल रहा है ये जलील शख्स। अरे आपा, आप इसके क्यों मुंह लग रहे हैं? हम जानते हैं आपने कुछ नहीं किया। आपको थोड़ी घर से निकालना है, निकलेगा तो एक घटिया शख्स। मैं सब जान चुका हूँ आपकी साजिश और आपका घटियापन। आपने सिर्फ मुझे माँ और उनके शौहर के सामने जलील नहीं किया, बल्कि मेरे और शहर के दरमियान भी दूरी पैदा हो गई है। ठीक है, चलें। ओके, अल्लाह हाफिज़। कल से तुम ऑफिस जा रहे हो माहिर। अफ़ान है ना, संभाल लेगा वो। उससे नहीं संभल रहा, सफदर साहब परेशान है, कंपनी के शेयर्स गिर रहे हैं और ज़मीर अफ़ान को अलग प्रेशराइज कर रहा है। ऑफिस जाएगा, काम समझेगा तो सीखेगा ना। इस सारा जायदाद ऑफिस का ही झगड़ा है, मुझे नहीं पढ़ना भाई सब में। अच्छा भाई, मैं चलती हूँ। अरे आपा, कहाँ जा रही हैं आप? अभी तक तो काम भी खत्म नहीं हुआ आपका। मैं किसी काम के लिए यहाँ नहीं आई थी, अपने भाई की मोहब्बत में, भाभी भतीजे भतीजी की मोहब्बत में आई थी। तो मिल गई मोहब्बत आपको सबसे? भाई कहा सुना, माफ करना। मैं अफान को कहती हूँ आपको एयरपोर्ट छोड़ आएगा। उसे जहमत देने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने टैक्सी मंगवा ली है। अरे आपा कैसी बातें कर रही हैं, मैं छोड़कर आता हूँ आपको। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। अच्छा है आप जा रही हैं, जाके सोचिएगा कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं आपसे। बड़ा फारिग टाइम होगा आपके पास, और जब अपनी गलतियों की फहरिस्त मुरतब हो जाए ना, उस पर थोड़ी सी भी नदामत हो तो अल्लाह से माफी मांग लीजिएगा। वैसे मैंने और मेहरू ने आपको माफ कर दिया, बस एक बात याद रखिएगा, ये आपके भाई का घर तो नहीं रहा, क्योंकि ये मिसेस मायर का घर है और मायर की कोई बहन तो है नहीं। खुदा हाफिज आपा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जाते जाते भी अदाकारी।